हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। हमारे चैनल फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए परफेक्ट तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट कुलचे की रेसिपी लेकर आई हूं। और ना ही मैंने इसमें कोई इनो का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने कोई ईस्ट का इस्तेमाल किया है। और मैंने इस कुलचे में दो खास चीज़ को इस्तेमाल किया है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कुलचे डो के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप मैदा, आधा कप दही और 1 चम्मच मैंने लिया है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। अब मैं इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर, यानी कि चीनी को मैंने पीस लिया है, वही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है ऑयल हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए, तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। बड़े चम्मच से आप यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं। तो आप इस कुलचे को आधा तो क्वांटिटी में यानी कि मैदा आटा भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मैदा को भी बना सकते हैं। और इसे हम करते हैं बढ़िया से मिक्स। तो बस मैंने यहाँ पर चम्मच से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैं अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो हमें यहाँ पर कुलचे को डो के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पर डो ला कर रेडी करना है। तो पहले आप इसे दही से अच्छी तरह से डो बना लें, जितना ज़रूरत हो उतना पानी यहाँ पर ऐड कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना रखा है डो को, ना ज़्यादा गीला करना है ना ज़्यादा हार्ड रखना है। देखिए मैंने इस तरह से कर दिया, तो सॉफ्ट समझ सकते हैं कितना सॉफ्ट मैंने यहाँ पर रखा है। और हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से, ताकि ऊपर परत सूखे नहीं। और देखिए मैंने मिक्स कर दिया तेल को, अब इसे हम ढक के रख देंगे। तो आप इस कुलचे को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं तो आप पूरी रात के लिए भी इसे रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा फर्मेंट होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 घंटा ही रखा है, देखिए इतना ही फर्मेंट हुआ है। अब इससे ज़्यादा फर्मेंट चाहते हैं तो आप रात भर ही इसको छोड़ दें, तो अच्छा फर्मेंट हो जाएगी। तो अच्छा खासा यहाँ पर फूल चुकी है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको आटा का पहले टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सॉफ्ट यहाँ पर हुआ है, जालीदार हुई है, देखिए इस तरह से। तो इस कुलचे देखिए बहुत ज़्यादा पारोटी यानी कि ब्रेड के जैसा यह बनने वाली है। तो हम इसे हम छोटे छोटे पीस में ऐसे लोया करना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर लोई अपना अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इतना साइज कर रख रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर सभी को अलग डिवाइड कर दिया है। तो देखिए मैंने इतना साइज कर रखा हुआ है। तो एक बेलना स्टार्ट करेंगे, बाकी को हम ढक कर रख देंगे ताकि सूखे नहीं। अब इसे रखेंगे साइड में, अब चलने बेलना शुरू करते हैं। कुलचे कई प्रकार के बनाए जाते हैं, सभी अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो अपने घर में ट्राई करती हूँ बनाती हूँ उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बस मैंने बेल लिया, हल्का सा लगाना है पानी, ऑयल मत लगाइए, पानी लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर चाहिए काला जीरा यानी कि मंगरेला। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं, अगर घर में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद करते तो कम ही डालिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है चिली फ्लेक्स। तो मैंने यहाँ पर मिर्च को यानी कि सूखी लाल मिर्च जो आती है उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसे दरदरा कर लिया है। और डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता कट किया हुआ और हल्का सा बेलन से इसे प्रेस कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से काला जीरा, चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता अच्छी तरह से चिपक जाए। उसके बाद हाथों से इस तरह हम पलट लेंगे। उसके बाद हम दगा देंगे इसमें पानी, ऑयल नहीं लगा ले, पानी लगाना ताकि तवे के अंदर अच्छी तरह से चिपक सके, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। तो तवे को मैंने पहले गर्म रखा है गैस पर, तो ज़्यादा मैंने ना हाई रखा है नहीं ज़्यादा कम रखा, मैंने मीडियम मैंने गर्म करके रखा था, पानी डाल दिया है। और किनारों से हल्का सा हमें पानी का छिड़काव करना है और ढक्कन लगा के हम 2 से 3 मिनट के धीमी आंच में कुक करेंगे। उसके बाद हम फिर से दिखाती हूँ आपको दूसरा रोटी बेल के यानी कुलचा। तो बस इस तरह से हम बेल लेंगे, उसके बाद हम फिर से हम काला जीरा इसे गार्निश करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से बनाना फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और आप इसे खास बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जीरा पाउडर, घर की कुटी हुई जीरा पाउडर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है, प्रेस कर दिया है और हल्का सा इसे पानी लगा देंगे। तब तो देखिए यहाँ पे कुलचा यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देखिए हम ढक्कन हटा लेंगे, देखिए फूली फूली बहुत अच्छी तरह से यहाँ फूली हुई है। तो इस तरह से हम पलट देंगे। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स घी या आप बटर आपका चॉइस है, जो भी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर घी यूज कर रही हूँ। तो बस हम दोनों तरफ से इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो बहुत आसान तरीके हैं फ्रेंड्स, एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये रेसिपी आप रेस्टोरेंट में महंगे खाने के बजाय इजी से अपने घर में बना सकते हैं कम खर्चे में। तो देखिए मैंने इतना ब्राउन रखा है, अगर आप चाहे और ब्राउन करना तो और कर सकते हैं, नहीं तो कम भी रख सकते हैं।
तो देखिए एक कुलचे यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस सभी को हम इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने दूसरी भी मैंने तैयार कर लिया है, ये भी हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। तो देखिए मैंने सभी को बना लिया है। फिर से हम हल्का से यहाँ पर लगा देंगे बटर, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक बार ही घी से काम चला सकते हैं। तो मैंने हल्का सा लगा दिया है क्योंकि मेरे घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस इस तरह से सभी को लगा कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने फाइनली इसे कर लिया है सर। देखिए मैंने यहाँ पर मटर की सब्ज़ी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रेस करते हुए। देखिए इस तरह से देखिए वापस फैल जा रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी फ्रेंड्स। एक बार बना कर देखिए बहुत ही मज़ा आ गया खाने में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के। वाओ देखिए ब्रेड की तरह टूट रहा है और स्वाद तो कमाल की है, पूछिए मत। एक बार बना कर देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगी। देखिए अंदर ही बहुत अच्छी तरह से पका, लेयर छूट रहे हैं देखिए इस तरह से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी मेरी वीडियो का सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। और कौन सा नेक्स्ट रेसिपी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।